समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जब उनके गांव सैफई पहुंचा तो कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें दिखाई दी। परिवार वालों के साथ जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खड़े हुए वो रोने लगे। चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें सांत्वना दी। दुख की इस घड़ी में मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव बिलखते दिखाई दिए। अखिलेश की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव भी खुद को संभाल न सकी। डिंपल भी भावुक हो गई, वे परिवार की महिलाओं के गले लगकर रो पड़ी। मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर जब सैफई पहुंचा तो यादव परिवार एक साथ दिखा। दुख की इस घड़ी में सभी एक दूसरे को ढांढस बंधाते दिखाई दिए। सोमवार को मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम से उनके पैतृक गांव सैफई लाया गया। यहां नेताजी की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद थे। बता दें कि मुलायम सिंह का निधन 82 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने 5 दशकों तक सक्रिय राजनीति की। वे 3 बार यूपी के सीएम रहे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री का पद भी संभाला। एक शिक्षक और पहलवान रहे मुलायम ने अपने राजनीतिक जीवन में कई मुकाम हासिल किए।